नमस्कार मकलाई एक्सप्रेस 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना उइके। आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मध्य प्रदेश के हरदा जिले का एक व्यक्ति जो एक हाथ से दिव्यांग है, फिर भी दूसरे हाथ से मेहनत मजदूरी कर आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। जिले की छोटी हरदा निवासी यह शख्स एक हाथ से पंचर बनाता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। हरदा इंदौर रोड पर पुलिस लाइन के सामने स्टेट हाईवे पर छोटी हरदा के रहने वाले यह शख्स है संतोष ठाकरे, जिनका एक हाथ गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेशर में आ जाने के कारण कट गया था और वह दिव्यांग हो गया था। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और ना ही नौकरी के लिए गिड़गिड़ाए। यह स्वयं आत्मनिर्भर होकर स्वयं की पंचर की दुकान चला रहे हैं। अधिकतर लोग घटना दुर्घटना में जब अपने शरीर का कोई अंग गवा बैठते हैं तो निराश होकर या भीख मांगते हैं या फिर स्वयं को एहसास समझकर परिवार वालों पर आश्रित हो जाते हैं। लेकिन इस शख्स संतोष ठाकरे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और न ही घर पर बैठे। परिवार के भरण पोषण के लिए इन्होंने कटा हुआ हाथ चले जाने के बाद भी निराश नहीं हुए। दूसरे हाथ को इन्होंने जीने का सहारा बनाया। इन्होंने मेहनत की और स्वयं पंचर बनाने लगे। खास बात यह है कि औरों की तरह यह भी मोटरसाइकिल का पंचर मात्र 10 मिनट में बना देते हैं। यहाँ पर पंचर बनाने वाले इनके काम की हिम्मत और सराहना करते हैं। आइए मिलवाते हैं इस शख्स से और जानते हैं उन्हीं से कैसे हुई आपके साथ घटना और आप दिव्यांग होने के बाद भी आत्मनिर्भर होने के क्या कारण है। शंपा तक मोहन गुजर के साथ मैं हूँ अंबुजा। इस समय हम खड़े हैं हंडिया देवाम रोड पर। यहाँ पर एक ऐसा शख्स है जिसका एक हाथ नहीं है, उसके बाद में भी बस हम पंचर की दुकान चला रहे हैं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए। आइए, पंचर की दुकान चलाने वाला यह शख्स जिनका नाम है संतोष ठाकरे, यह उन लोगों के लिए मिसाल है जो एक हाथ से विकलांग या पैर से विकलांग हो जाते हैं, जो स्वयं को एहसास समझते हैं और उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मिसाल संतोष ठाकरे मिलते हैं। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? संतोष ठाकरे। कहाँ रहते हो आप? पंचर की दुकान आप चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं? ये सर 2007। कैसे हो गए? आप एक हाथ से पंचर बनाने का, ये आपने कैसे हिम्मत आई कि ये काम कर सकते हैं? ये सर जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और फिर क्या है कि बच्चों को भी भरण पोषण